आदर्श कन्या विद्यालय मंडी द्वारा विदाई समारोह का आयोजन बड़ी ही धूमधाम के साथ किया गया। इस अवसर प्लस वन के छात्रों ने प्लस टू के छात्रों को विदाई दी। हर साल की भांति इस वर्ष भी अंतिम दौर में स्कूलों में विदाई समारोह मनाए जा रहे हैं, जिसमें सबसे वरिष्ठ कक्षा के विद्यार्थियों को कनिष्ठ कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा विदाई दी जाती है। आज के दौर में विदाई समारोह शिक्षा संस्थानों का एक मुख्य पाठ बन गया है। इसी कड़ी में आदर्श कन्या विद्यालय मंडी द्वारा विदाई समारोह का आयोजन धूमधाम के साथ किया गया। इस अवसर पर छात्रों ने अलग अलग चुनौतियों पर परफॉर्म किया। वहीं स्थानीय पाठशाला के प्रधानाचार्य नरेश राणा ने प्लस टू की छात्राओं को स्कूली शिक्षा पूर्ण करने पर बधाई दी, साथ ही उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना भी की। आज आदर्श कन्या विद्यालय मंडी के प्रांगण में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। स्कूल की जो 10+1 क्लास है, उसमें स्कूल की जो सबसे बड़ी क्लास हमारी 10+2 होती है, उसको विदाई समारोह के रूप में इस कार्यक्रम का आयोजन किया। और वर्ष के अंत में जिस इट हैज बीन अ कस्टम इन एवरी स्कूल दैट एवरी ईयर दिस फेयरवेल पार्टी इज ऑर्गेनाइज टू दी आउटगोइंग क्लास ऑफ द स्कूल, उसी के अनुरूप प्रोग्राम इसका आयोजन किया गया। और इस प्रोग्राम के तहत जो अलग अलग छात्राएं हैं वो मंच पे बुलाई जाती है, उनको अलग अलग चुनौतियां जो हैं उनके सामने रखी जाती हैं, उनको उसके ऊपर परफॉर्म करना पड़ता है। और साथ ही जो छात्राएं इसको ऑर्गेनाइज करती हैं उनका भी ये स्टेज टेस्ट होता है कि किस तरह से फुल कॉन्फिडेंस के साथ बच्चों में जो कॉन्फिडेंस होता है वो यहाँ पर दिखाई देता है, वो झलकता है। और विद्यालय की ओर से आई विश देम ऑल द बेस्ट फॉर द डेज टू कम, कि वो पूरे आत्मविश्वास के साथ लाइफ में जाएं, अच्छा अचीव करें, क्योंकि लाइफ में और भी इस प्रकार की कई डिफिकल्टीज उनको आएंगी जिससे वो घबराए नहीं, ये हमने उनको विश किया हुआ है। और साथ ही अंत में मैं ये दो लाइनें जरूर आपके सामने कहूंगा, क्योंकि दिस इज अ प्योरली अ गर्ल्स स्कूल, कि बेटियां सबके नसीब में कहां होती है, बेटियां सबके नसीब में कहां होती हैं, खुदा को जो घर पसंद आए वहां पर बेटियां होती हैं। तो ये स्कूल जो है पूरी तरह से कन्या विद्यालय है, और ये प्रोग्राम जो है ये कन्याओं के लिए ही हमने ऑर्गेनाइज किया था।